अभी बजे हैं रात के 9:30 और हम यहाँ पे बैठे हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। अभी काम धंधा निपटा है हमने, कुछ वीडियो सीडियो सी एडिट करी है और यहाँ पे आपसे कुछ दो बातें करने के लिए बैठ गए हैं। क्योंकि अभी देखो, एक तो शोरगुल नहीं है वैसा बाहर से जो आता है, और बच्चे बच्चे भी जो है अपने बेड पे लग चुके हैं सोने के लिए, इसलिए आवाज़ ज़्यादातर इधर उधर की है नहीं और डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो एक आध एक आध ऊपर आता रहता है, यहाँ पे अता पतल लेता रहता है हमारा आरो सारूसी और नंदनी। देखो वे तो जो है उन्हें रोक नहीं सकते, जबरदस्ती वो तो ऊपर चक्कर लगाते रहते हैं। बात है ऐसी, हम कल गए थे माँ को लेके डॉक्टर के पास में, तो उनका जो टेस्ट है वो MRI टेस्ट हुआ था, तो उसकी रिपोर्ट आज आ गई है। और उसकी जो फिल्म्स थी वो तो कल ही देख ली थी डॉक्टर्स ने। तो लास्ट ईयर भी हमने करवाया था, एक्सरे हुआ था केवल, और उसी के बेस पे जो है ना दवाइयाँ खा रही थी माँ। तो लास्ट ईयर जो पता चला था तो वो तो ये था कि चलो मतलब नसों जो है कोई वेन वो दबाव में है, तो उसकी दवाई चलेगी तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अब की बार जो MRI कराया उसमें आया है कि भाई रीढ़ की हड्डी में ना थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है जॉइंट, तो उसमें कोई नस जो है वो दबी हुई है, वेन पर दबाव है, जिसकी वजह से उनके पैरों में यहाँ से लेके और पंजों तक जो है वो दर्द चलता है। तो डॉक्टर्स ने बोला है कि आराम और ये जो कमर का बेल्ट होता है ये एक तरीका है उसे सही करने का, और बाकी जो है इसकी दवाइयाँ चलेंगी, पेन वगैरह जो भी होगा। और नेक्स्ट वीक फिर बुलाया है, मतलब 5 दिन के बाद में, कि भाई कोई थेरेपी होती होगी, अभी तो हमें पता नहीं है क्या है वो, कि वो करके देखेंगे, उससे आराम मिलता है तो उससे भी ठीक होने के चांसेस हैं। लेकिन अब से बाद में क्या है कि जो रेस्ट है वो ही आराम ज़्यादा करेगा। और देखो जी, ये तो जो है बीमारी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो किसी के हाथ में तो होती नहीं है। कई सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि माँ से बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, पिताजी से बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, चाचा से भी बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। तो देखो, घर में जब कई सारे सदस्य होते हैं एक फैमिली में, काम तो सभी करते हैं और अपनी मर्जी का भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई हिटलर बैठा है कि भाई तू ये कर तू वो कर और तुम ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी मर्जी से करते हैं। और जो हमसे पहली पीढ़ी के जो आदमी है ना वो बहुत मेहनती हैं यहाँ पे गांव में, तो उन्हें जैसे पहले से ही काम करने की बहुत ज्यादा आदत है, और जो हम अब काम करते हैं ना जिसमें हम थकान मानते हैं, वो काम उनके लिए कुछ भी नहीं था। और माँ को ना, माँ ने बहुत स्ट्रगल कर रखा अपनी लाइफ में, और बहुत उन्होंने वजन उठा रखे, मतलब चारा लाती थी सर पे उठा के बोझे लाती थी, तो इसी वजह से उनकी ये प्रॉब्लम अब जो है ज्यादा दिक्कत दे रही। पहले उन्हें पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती उम्र का तगादा है तो उस वजह से अब ज्यादा दिक्कतें होने लगी है, इसीलिए दवाइयां भी कुछ असर नहीं कर रही। था कुल मिला के मैटर। और हम माँ को भी कहते हैं कि आप प्रॉपर रेस्ट करो, दवाइयाँ लो, पिताजी को भी कहते हैं, बल्कि पिताजी भी गए थे सफदरजंग हॉस्पिटल से, उनका आई ट्रीटमेंट चला था जो उनकी कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुई थी उस 5 साल हो गए हैं पूरे। तो 5 साल लगभग पहले जो ट्रीटमेंट चला था वो आज तक चल रहा है। तो रूटीन चेकअप उनका होता है आंखों का, अभी भी वो भी जा रहे थे, बल्कि डॉक्टर्स ने वहाँ भी यही बोला कि आप भी रेस्ट करिए, ज़्यादा काम नहीं करना है, धूल से बचा के रखना है, सर पे वजन नहीं उठाना है, और धूल मिट्टी से तो बहुत ही केयरफुली रखने हैं इन आँखों को, और अपना जो चश्मा है वो लगा के रखना है। लेकिन बताओ क्या करें, काफी कहते भी हैं, लेकिन देखो उनकी आज़ादी पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते हम। सही बात है, उन्हें ना थोड़ा बहुत करने की आदत है। आज पिताजी को हमने किसी काम के लिए बाहर भेज दिया था, मतलब बैठ के जाना था बाइक पे, और जरूरी भी था, चलो वहाँ पे चल जाके उनका काम चल गया। क्योंकि कल हम लोग हॉस्पिटल गए थे तो हमारा भी कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो भाई 4-5 दिन बाद फिर जाना है तो और कोई चला जाएगा, तो आज पिताजी का जाना जरूरी था। पिताजी ये कह रहे वहां से आते ही, मतलब 80 किलोमीटर की दूरी का सफर करके ये कह रहे मैं थक गया और थोड़ा सा अपने शरीर को जो है क्या कर लूँ, गर्म कर लूँ, गर्म आलू खुल सी जाएगा खुल शरीर सी की। जाएगा मेरा शरीर, तो आलू का कट्टा खोला। फिर ये बोले, इन्होंने टोका पिताजी को, पिताजी धूल मिट्टी है इसमें, डॉक्टर ने क्या बोला था कल, आपको मानते ही नहीं, पता नहीं, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, आ जाता है फिर चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो देखो जी, मतलब जितना कुछ हमारी तरफ से होता है हम उतना करते हैं, रोकते हैं कामों से, और वैसे भी जो है इतना बाहर का कुछ काम नहीं करते, अपना घर का ही होता है यहाँ पे, जो भी पॉसिबल उनके लिए होता है वो कर लेते हैं। दूसरी चीज़ भाई, ये क्यों गई थी माँ के साथ में, इसके बिना भी काम चल सकता था, ये घूमती फिरती शादियों में। देखो भाई, जहाँ कन्यादान है, शादी है, रिलेटिव्स हैं,
जो हमारे पास आता है हमारे फंक्शन शादी ब्याह में, भाई उसके हाथों जाना पड़ेगा, ये तो बदला है। जो हमारा सम्मान करता है भाई, हमें भी उनका सम्मान करना पड़ेगा। और यहाँ पे सब रहते नहीं, पता है अरविंद भी बाहर रहता है। अब प्रीति है बताओ, अब मेरे साथ हर जगह नहीं जा सकती वो, जहाँ हम पूरी फैमिली जाते हैं वहाँ पे जाती है सब। तो अपना मैनेजमेंट जो है फैमिली का, जैसे भी मतलब चल सकता है वैसे हम चला रहे हैं। सारे कमेंट्स ऐसे भी हैं भाई, नंदनी को ले जाते हैं कंटेंट बनाने के लिए। देखो भाई, पहले तो बात हमारा ही बच्चा है, वो किसी दूसरे का तो है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है, मैं अपने ऊपर ही कैमरा या मोबाइल लगा के कैसे कंटेंट बनाऊँ इतने सारे, भाई किसी को तो लेना ही पड़ेगा मुझे। कभी ये भी आएगी, इसे साथ में भी और जब आऊंगा। नंदनी नहीं थी उससे पहले पूरी फैमिली आती थी, जैसे अब आती है पूरी फैमिली, अब हमारी नंदनी हिस्सा है हमारी फैमिली का, तो वो भी तो आवेगी उसमें व्लॉग में, बताओ रही आपने। बात आरुष और आरुषि की, आप देखते हैं आरुष कितना आता है। आरुषि भी दोनों स्कूल जाने लगे हैं, तो आके वो जो है होमवर्क भी करते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं। भाई देखो, जहाँ भी ताल मेरी लगती है थोड़ा बहुत कुछ शूट करने की व्लॉग, वहाँ मैं कर लेता हूँ, और मुझे जैसे जैसे अच्छा लगता है। बाकी सबके अपने मैनेजमेंट हैं। और कोई एक आंटी है, वो बेशरम पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो जी अब पता नहीं भाई, बेशरमी का क्या दिखा रहे हैं हम। देखो कपड़े भी पूरे पहनते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहते हैं। अब उन्होंने पता नहीं वो पठान फिल्म का गाना बेशरम रंग है कहीं, वो तो नहीं देख लिया, और उसे पता देख के नहीं मैंने हमें बोल रही तो। हूँ। तो जी देखो, ऐसा है, क्रिटिसाइज कर सकते हैं लोग, भगवान तो हम है नहीं कि हर काम हम परफेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज, हेटर्स तो भगवान के भी हैं। और उसके अलावा है कि चलो मान लिया आलोचक है, वो ठीक है, हमें देख रहे हैं, हमारी गलतियां बता रहे हैं, हम सुधार रहे हैं। लेकिन बेशरम और उससे नीचे के पायदान की कुछ गालियां, और फिर उससे नीचे के भी कुछ मतलब शब्दों की मर्यादा इस तरह से तोड़ देते हैं कि भाई देखो, इंसान है हम भी भाई, फीलिंग तो आएगी। मान लिया कोई गाली देगा लिख के हमें, या फिर बेशरम कहेगा, तो भाई देखो महसूस तो होगा, ऐसी बात नहीं है सब में। जी जी और सब बोलते हैं कैमरा लेकर उठा के भागी फिरे हैं ये वो, एक जगह पैर नहीं रुकता, इसका जाना जरूरी, जहाँ भी गाड़ी जागी बैठ के जरूर जाएगी। जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगी तो आप सबके साथ में शेयर कौन करेगा, ये बताओ अभी। और शुरू से ही हम ऐसा करते आ रहे हैं। बाकी सबका देखने के लिए धन्यवाद, बहुत गहराई से देख के जो कमी निकालते हैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद, जो डेली देखते हैं उनका उससे भी बड़ा धन्यवाद, और लोग पूरा देखने के लिए तो तहे दिल से धन्यवाद। और जी चल रहा है हमारा काम भी आप सबके सपोर्ट से, आपका आशीर्वाद। जो कुछ हम छोटी मोटी चीजें कर रहे हैं, मतलब जैसे वो ही आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं कुछ चीजें, घर का रेनोवेशन भी कर रहे हैं, ये सब आपके सपोर्ट से हो रहा है। थोड़ा बहुत और लगाइए सपोर्ट, बस शब्दों की मर्यादा रखो भाई। जैसा जिसको लगता है वो स्वतंत्र है, फ्री है लिखने के लिए, लेकिन अगर बेशरम लिख के गया घटिया घटिया सब, देखो ह्यूमन बींग है हम भी भाई, होगा तो यही महसूस। चलो जी, इतनी सी बात कर रहे थे हम, मैं मेडिकल रिपोर्ट बताई माँ की क्या आई है, तो कोशिश करेंगे कि भाई उन्हें पूरा आराम देने की जहाँ तक भी। लेकिन भाई धमकाने से तो कुछ नहीं हो सकता, देखो मतलब ये भी तो बुरी बात है। और बार बार टोका टोकी करें, जैसे मैंने माँ को कल बोला माँ बेल्ट बांध लो अपनी, बेल्ट लगाने की है ना उनकी, तो कह रही एक हाँ अब जब गर्मी होने लगी सर्दी थोड़ा है बताओ। फिर मैंने शाम के टाइम माँ बेल्ट लगा के थोड़ी बहुत देर के लिए निकाल देख लो, वैसे उसकी आदत बन जाएगी आपको, लेकिन उससे आपके जॉइंट जो है टच में रहेंगे, टच रहेंगे एक दूसरे में, तो उससे कम दर्द होगा क्योंकि हवा भी तो ऐसी चल रही है ना इस टाइम। और एक और दूसरा कि अरविंद के ग्लोव्स क्यों नहीं आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले कुछ घर में ट्रेजडी हुई थी, वो आप सब जानते ही हैं, तो कुछ उस वजह से, और कुछ उसकी तैयारी चल रही है किसी एग्जाम की, कुछ उस वजह से तो हफ्ता 10 दिन और लग सकता है उसे, हैं। हाँ तो उस के बाद जो है वो भी अपना कंटिन्यू कर देगा। कई बार परिस्थितियां जो है वो फेवर में नहीं होती कि हम कोई काम कंटिन्यू रखें, तो सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे, टाइम है, कैसा भी हो बीत जाएगा। आपसे फिर दोबारा से रूबरू होगा, वो भी अपनी जो ब्लॉगिंग है वो स्टार्ट कर देगा। बाकी यही था कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत, और कमेंट करने वालों के लिए भी बहुत बड़ा तहे दिल से थैंक यू। और बस इस व्लॉग का बस इतना ही कर देते हैं, आपसे फिर मिलेंगे कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और सबको हमारी राम राम राम। राम। और 26 फरवरी को है आरुषि का बर्थडे, तो आप सब जो है उसे बहुत ज्यादा विशेष देना। तो जी हाँ, तैयारियां चल गई हैं, और आने वाला है कल 26 फरवरी आरुषि का बर्थडे, और सेलिब्रेशन की तैयारी करेंगे जितना भी हमसे हो सकेगा, गलत सलत सही जो भी होगा मतलब करेंगे उसमें। तो जी एक बार फिर से सबको हमारी राम राम राम। राम।